जय श्री श्याम सभी से हम प्रेमियों को, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी, पंचतंत्र की। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही शिक्षाप्रद होती हैं, जो कि बहुत कम समय में बहुत छोटी सी होती है, 2 मिनट की कहानी, और हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है, जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनका भविष्य मजबूत बनता है, नींव मजबूत होती है उनकी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ हंस और कछुए की। आज की कहानी का शीर्षक है हंस और कछुआ। एक कछुआ और 2 हंसों में बहुत पक्की वाली दोस्ती थी। तालाब के किनारे भी हर दिन मिलते थे। एक वर्ष बहुत कम बारिश हुई, तालाब को सूखा देखकर हंसों को चिंता होने लगी। उन्हें पहाड़ के दूसरी ओर एक और तालाब का पता लगा कि तालाब के दूसरी ओर एक और है तालाब है जिसमें कि पानी है। उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। अपने प्रिय मित्र कछुए से वे दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कछुए को भी साथ चलने के लिए कहा। कछुए ने कहा कि वह तो उड़ नहीं सकता, पर उसके लिए एक युक्ति है। उसने हंसों को एक डंडी अपनी चोंच में पकड़ने के लिए कहा और डंडी को बीच से वह पकड़ लेगा। उसने कहा कि 2 हंस मिलकर एक एक कोना डंडी का पकड़ लो और बीच से कौन उस डंडी को मैं अपनी मुंह से पकड़ लूंगा और इस तरीके से मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हंस राजी हो गए, पर उन्होंने कछुए को उड़ते समय अपना मुंह खोलने से मना किया। हंसों ने कहा तुम बीच में मुंह मत खोल देना, वरना तुम गिर जाओगे, क्योंकि हम तो उड़ रहे होंगे और तुम्हें उड़ना आता नहीं है, तो तुम गिर जाओगे और तुम चोट लग जाएगी। वे तीनों उड़ते हुए एक शहर के ऊपर से जा रहे थे। शहर के बच्चे इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए और शोर मचाने लगे। कछुए ने भी सोचा कुछ तो कहा जाए। नीचे जो बच्चे शोर कर रहे थे, खुशी से तालियां बजा रहे थे, तो कछुआ उनको देख के शांत नहीं रह पाया। बोला कुछ तो बोलना ही चाहिए। उनके मन में बातें आने लगी। कछुए ने भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला नीचे गिर पड़ा और घायल हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें होशियार लोगों की, बुद्धिमान लोगों की हमेशा बात माननी चाहिए, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि यदि हम बड़ों की राय नहीं मानते, होशियार लोगों की, बड़े नहीं हो चाहे छोटे हो लेकिन बुद्धिमान हो, अगर हम उनकी राय नहीं मानते हैं तो हम चोट खाते हैं, हम परेशानियों में घिरते हैं। तो आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। बेड टाइम पर सुना सकते हैं, बच्चों को जब नींद ना आ रही हो, और बच्चों को एंटरटेन करने के लिए किसी भी समय। ये छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छी शिक्षा देकर जाती हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो मेरी कथा कहानियों के इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्रियजनों में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।